Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hello friends, welcome to my YouTube channel Dev Digital Technology. तो friends, मैं आपके लिए एक बहुत ही खास ट्रिक लेके आ गया हूँ, जिससे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो धड़ाधड़ आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं किसी से भी। जैसे आपके व्हाट्सएप में आपके फ्रेंड्स लोग या कुछ रिलेशन वाले आपके साथ एकदम इंग्लिश में बात करते होंगे और आपको इंग्लिश ना आने के कारण बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, हमें भी वैसा ही होता है अगर हमें इंग्लिश नहीं आता है तो। तो जैसा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है और वो सामने वाला इंग्लिश में मैसेज कर रहा है और अगर आप रिप्लाई नहीं देते हैं तो सोचता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, तो इसी के लिए मैं आज बहुत ही खास ट्रिक लेके आ गया हूँ। तो आपको सबसे पहले मैं प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको करना कैसे है। तो चलिए मैं दिखा देता हूं। जैसे अब मैं अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूं और किसी के पास मैसेज भेजता हूं। तो देखिए मैं यहां पर मैसेज भेजता हूं कोई भी, तो जैसा कि मान लीजिए कि ये करने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले अपने कीपैड का कीवर्ड का गूगल के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको जो ट्रांसलेट का गूगल का ऑप्शन है यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ये जो आपको जी दिख रहा है और जी दिखने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली ऐसे कर देना है। आपको अब यहाँ पे लिखना है, जैसे मान लीजिए कि लिखना है हमें हेलो क्या कर रहे हो, तो हेलो क्या कर रहे हो। तो जल देखिए इसका इंग्लिश आ गया, हेलो व्हाट आर यू डूइंग। तो सिंपली जैसे आप इसमें कुछ भी अगर आप हिंदी से लिखते हैं तो आपको वो इंग्लिश में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे अब मैं लिखता हूँ, फिर से एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, देखिए ऑटोमेटिक वहाँ पे ट्रांसलेट कर लिया है। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अपने प्ले स्टोर से दो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। तो पहला तो एप्लीकेशन है ये ट्रांसलेट का, ये आपको हमेशा की तरह दोनों एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको दोनों एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो ये ट्रांसलेट का जो गूगल ट्रांसलेट का एप्लीकेशन है इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है और दूसरा है जीबोर्ड का, दोनों एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद आपको सबसे पहले तो ये अपना ट्रांसलेट का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना होगा। जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखेगा, उसमें ओके करने के लिए आएगा, तो आपको सिंपली ओके कर दीजिएगा और यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं करना है और उसके बाद इसको बैक कर देना है। और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देख लेना है, चेक कर लेना है कि यहाँ पे आपका लैंग्वेज जो है तो हिंदी रहेगा और ये इंग्लिश, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा कि हिंदी इंग्लिश ही रहे, कोई और लैंग्वेज रहती है तो आपको यहाँ से सिंपली चेंज कर लेना है। तो चलिए इसको बैक कर देता हूँ। अब रहा बात आपका जीबोर्ड का, तो जीबोर्ड का एप्लीकेशन आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद आपको सेटिंग में आ जाना है और सेटिंग में आने के बाद सिंपली आपको वहाँ पे सेटिंग में मिल जाएगा, आपको कहीं भी आप अपने मोबाइल में ढूंढ लीजिएगा लैंग्वेज एंड इनपुट, तो ये आपको कहीं भी लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा आपके फ़ोन में कहीं भी। तो मैं लैंग्वेज को ओपन कर लेता हूँ और फिर उसके बाद जो आपको कीवर्ड है, तो कीबोर्ड जो है तो आपको देख लेना है कि कीबोर्ड कौन सा सेलेक्ट है और कैसा है। तो आपका मेरा जैसे देख लीजिए सेलेक्ट करंट कीवर्ड जो है, तो मेरा मैं जीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो आपको सिर्फ यहीं पे जीबोर्ड देखने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको कर लेना है चूज, तो ये वाला आप जब कर लेंगे जीबोर्ड को अपने तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा जीबोर्ड और उसके बाद बैक आ जाइएगा, उसके बाद कोई काम नहीं है। तो सिंपली चलिए मैं आपको व्हाट्सएप ओपन करके दिखा देता हूँ कि अब आपका ट्रांसलेट कैसे होगा। तो आप तो अभी देख ही चुके हैं, इसके पहले मैं फिर से भी दिखा देता हूँ और बता देता हूँ आपको। तो जैसे आप ओपन कर लेंगे तो उसके बाद ये जो जी का ऑप्शन है आपके पास गूगल का इधर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में है, तो जी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर ये जो आपका जी दिख रहा है यहाँ पे तो सेंटर में है आपका, तो जी पे क्लिक करना है और सिंपली आपका आ जाएगा हिंदी इंग्लिश। और फिर आपको ले आना है, आपकी लैंग्वेज हिंदी है, आप हिंदी में टाइप करेंगे कोई भी भाषा तो आपको हिंदी और लेफ्ट साइड में कर लेना है और इंग्लिश राइट साइड में। फिर आप कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे और जो भी लिखेंगे तो आपका हिंदी से लिखने के बाद वो इंग्लिश में हो जाएगा, चाहे आप हिंदी से ही लिखें, कोई भी आप जैसे लिखते हैं कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ
हो, तो सॉरी फ्रेंड्स, वो हट गया था थोड़ा सा मेरे वजह से। तो देखिए, जहाँ से आप लिखते हैं यहाँ पे तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तो ये मैं इंग्लिश से लिखा और वहाँ पे हिंदी हो गया। तो आपको ध्यान यही देना है कि लेफ्ट साइड में हिंदी होना चाहिए। तो देखो, देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पे तुम कहाँ हो कर लिखा, तो यहाँ पे वेयर आर यू लिखा गया। तो इसी तरह से आप सेंड भी कर सकते हैं। तो सिंपली ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है और आप इसको उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल अभी न्यू है तो आपको सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। और वीडियो शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ताकि मेरा थोड़ा चैनल ग्रो कर सके और आपके लिए मैं ऐसी और ख़ास ट्रिक्स लेके आता रहूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।